नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। रोज सुबह 5 बजे मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आ जाता हूं। तो आज भी सुबह 5 बज चुके हैं और करंट अफेयर्स आपके सामने हैं। हो सकता है कि आप इसको दिन में किसी भी और टाइम देख रहे हो, जब आपको टाइम मिल जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आपको जब टाइम मिले आप इसे देख सकते हो। ये पूरी तरह से सुविधा हमारी तरफ से उपलब्ध है। उसके बाद पीडीएफ भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाती है। अगर आपको वीडियो नहीं भी देखना है, आप वीडियो स्किप कर सकते हो, पीडीएफ से डायरेक्टली पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको लॉस हो जाएगा क्योंकि मैं कुछ ऐसे फैक्ट अपने पास बचा के रख लेता हूं कि आपको वीडियो देखना ही पड़े। आपको क्या लगता है, मेरे पास चालाकी नहीं है? मेरे पास भी चालाकी है। अगर आपको लगता है कि आप वीडियो नहीं देखेंगे, सीधे पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, उससे पढ़ लेंगे, तो कुछ ऐसे फैक्ट मैं हमेशा अपने दिमाग में रखता हूं जो आपको बाद में बताने के लिए रहेंगे। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी मेरे मुंह से निकले या यहां पर जो भी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, वो पीडीएफ में आपको जरूर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बार बार एग्जाम टाइम जाके वीडियो नहीं देख सकते हो। मुझे पता है आप पीडीएफ से ही नोट्स बना सकते हो। तो फिलहाल आज तारीख है 12 जून और एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि फूड सेफ्टी इंडेक्स लॉन्च किया है। फूड सेफ्टी इंडेक्स लॉन्च किया है फसाई ने, और इसमें पहले नंबर पर कौन सा राज्य आया है, दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य आया है, आइए चर्चा करते हैं। तो हाल फिलहाल फूड सेफ्टी इंडेक्स लॉन्च किया गया है। फूड सेफ्टी इंडेक्स पे जाने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि फूड सेफ्टी क्या होती, खाद्य सुरक्षा क्या होती। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ नॉर्मली, मतलब जैसे हम सामान्य घरों से आते हैं, तो वहां पर ऐसा ही होता है कि सुबह भाई 2-4 पराठे खा लिए, दोपहर में थोड़ा बहुत खाना खा लिया, दाल वाल खा लिया, और शाम को भी खाना दाल रोटी वगैरह कुछ खा लिया। ऐसे में हम ये नहीं ध्यान देते हैं, हम बस अपना पेट भरने के लिए खाना खाते हैं। हम ये नहीं देखते कि जो खाना हम खा रहे हैं, जो फूड हम इनटेक कर रहे हैं, वाकई में उससे हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक संतुलित आहार है वो हमें मिल भी पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा। उसके लिए आपका अंडा शामिल होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, आपको मांस खाना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, प्रोटीन कितना जा रहा है आपके शरीर में, इसके बारे में हमें कोई भी ज्ञान नहीं है। इसे कहा जाता है फूड इलिटरेसी, यानी कि खाद्य निरक्षरता। हम पढ़ लिख तो गए हैं लेकिन अपने खाने के मामले में हम कुछ ज्यादा नहीं जानते। और अगर आप विदेशों में बात करें तो वहां पर इन चीजों का काफी ध्यान रखा जाता है। फाओ यानी कि फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तकरीबन 14.80% जनसंख्या कुपोषित है, यानी कि उनका जो शरीर है वो पूरी तरीके से संतुलित आहार ग्रहण नहीं कर पाया या उनको पूरी तरह से संतुलित आहार नहीं मिला। इस स्थिति को कहा जाता है खाद्य संकट। और ऐसे में इसको दूर करने के लिए जो राज्य प्रयास करते हैं, अच्छी फसल का उत्पादन करते हैं, किसानों को अच्छी आय प्रदान करते हैं और साथ साथ कुछ ऐसे कानून बनाते हैं जिसकी वजह से ये खाद्य सुरक्षा आम आदमी को पहुंच पाए, इसके ऊपर एक इंडेक्स बनाया जाता है जो ये बताता है कि कौन सा राज्य इसमें सर्वोपरि रहा है। तो हाल फिलहाल प्राधिकरण ने बताया कि सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में जहां पर काफी ज्यादा आबादी है उसमें गुजरात जो है वो पहले नंबर पर आया है, तमिलनाडु उसके बाद और महाराष्ट्र उसके बाद आया है। गुजरात पहले नंबर पर, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर। पूछा जाने लायक यही है कि खाद्य सुरक्षा इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन आया है, गुजरात। छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर है और इसके बाद मणिपुर और मेघालय का नंबर आता है जहां की आबादी 10 लाख से कम है, इन्हें छोटे राज्य कहा जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ सबसे पहले है, चिल्ली और दिल्ली, फिर अंडमान द्वीप समूह के शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह जानकारी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा दी गई, जिसे दूसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के परिणाम जारी किए हैं, यानी कि अपने आपका यह दूसरा इंडेक्स है जो जारी किया गया है जिसमें गुजरात पहले नंबर पर आया है, गोवा भी पहले नंबर पर आया है, लेकिन 10 लाख से कम आबादी वाले राज्यों की सूची में चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में पहले नंबर पर आया है। और जब यह बुकलेट लॉन्च की गई, जब यह इंडेक्स लॉन्च किया गया, तो इसके साथ एक थीम भी लॉन्च की गई। उस थीम को कहा गया फूड सेफ्टी इज एवरीवन बिजनेस। आप सभी को पता है अभी हमने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया था। कब मनाया था? 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया था और उसी के दौरान इसको लॉन्च किया गया है। अब फसाई के ने लॉन्च किया है तो फसाई के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक मानक प्राधिकरण है और इसकी स्थापना अधिनियम 2006 के अंतर्गत की गई है ताकि भारत में जो खाद्य सुरक्षा है उसको बढ़ावा दिया जा सके। इसकी जो वर्तमान समय में डायरेक्टर है, प्रेसिडेंट है, वो रीटा टेओटिया है, जबकि जीएसजी अंगर और अतुल सिंगल जो है वो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। इसकी संस्थापना अंबुमणि रामदास द्वारा अगस्त 2011 में की गई थी और इसका
मुख्यालय आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो आई थिंक कई सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो गई होंगी। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। अगली जानकारी है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो जी आदित्यनाथ जी जो हैं, अब उनको उनके बारे में पता ही होगा कि वो गौ संरक्षण के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान रखते हैं। और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने गौ पालक संवर्धन योजना लॉन्च की थी कुछ समय पहले। उसके जरिए अगर आप आवारा मवेशी जो भी गौ वंश से आते हैं उनको पालते हैं तो आपको 900 रुपए महीने तक पर जानवर के हिसाब से दिया जाएगा। ये गौ पालक संवर्धन योजना थी, इसके बारे में बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 65 वर्ष पुराने राज्य के गौ वध अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। क्या फर्क होगा? अगर अब उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी गाय का वध करते हुए पाया जाएगा तो उसके ऊपर भारी जुर्माना और 10 साल की कैद का प्रावधान किया गया है। तो नए नियमों के अनुसार अगर कोई भी गौवध करता पाया गया तो उसे अधिकतम 10 साल की सजा और 5,00,000 रुपए जुर्माने का दंड लगाया जा सकेगा। और इस तरह का दंड लगाने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है भारत का। इन संशोधनों का लक्ष्य गाय की रक्षा करना और गौवध से संबंधित अपराधों को रोकना है। अभी हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश कई सारी न्यूज की वजह से चर्चा में रहा। हिंदी और इंग्लिश ये दोनों में उपलब्ध है। पहले मैं आपको इंग्लिश में ही बताता हूं, मैं हिंदी बोलता जाऊंगा लेकिन आपको इंग्लिश वाले भी थोड़ा पढ़ते जाएंगे तो उनको दोनों लोगों को क्लियर होता जाएगा। 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन मनाया जाता है 12 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 23वां नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है ये लखनऊ में आयोजित किया गया था। 12 जनवरी जब स्वामी विवेकानंद जी का जन्म तिथि होता है, फिट यूथ फिट इंडिया। 29 अगस्त को हम खेल दिवस मनाते हैं मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में। और इस बार फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया था, फिट इंडिया मूवमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था, उसी को थीम में लेकर फिट यूथ फिट इंडिया जो थीम रही है ये नेशनल यूथ फेस्टिवल जिसका 23वां संस्करण लखनऊ में देखने को मिला। अगली जानकारी है उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और जो भी पड़ोसी देश है वहां से आने वाले लोगों की सूची बना रहा है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से, तो माइग्रेंट जो भी बाहर से आए हैं उनकी नागरिकता की एक सूची बनाई, उत्तर प्रदेश इस मामले में पहला स्थान रहा। दूसरा फेज मिशन इंद्रधनुष जो कि एक सघन टीकाकरण अभियान था 2.0, इसका दूसरा फेज की जो शुरुआत थी वो उत्तर प्रदेश से की गई। ये क्वेश्चन इस बार सीजीएल में पूछा गया था। बहादुरपुर और खेरी वीरान जो है ये इंडिया का पहला मॉडल स्पोर्ट्स विलेज बना, यानी कि आदर्श खेल ग्राम बना। इंडिया का पहला वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल्स यानी कि जानवरों के लिए पहला युद्ध संग्रहालय जो बनाया जा रहा है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में सेटअप किया जा रहा है। UPSRTC यानी उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की एक पहल है दामिनी नाम की, उन्होंने हेल्पलाइन शुरू की थी जिसका नंबर था 81142 and 5×7। इस हेल्पलाइन के जरिए जो भी बसों में सफर कर रही होती हैं महिलाएं वो अपनी सुरक्षा के बारे में चेतावनी जारी कर सकती हैं और अपनी सुरक्षा मांग सकती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना लाई है जिसके जरिए पूरी तरीके से या 60% तक दृढ़ होने की या 60% विकलांग होने की स्थिति में जो भी कृषक होंगे उनको 5,00,000 रुपए दिए जाएंगे। और इसके अलावा और जो उनके थोड़ी बहुत दुर्घटना हो गई होगी तो उनको 2,00,000 रुपए तक इस बीमा योजना के तहत प्रदान किए जाएंगे। इसका पूरा नाम है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। नीति आयोग ने अभी हाल ही में आकांक्षी जिलों की सूची जारी की जिसमें चंदौली जो है ये यूपी का यानी उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला जो है वो शीर्ष आकांक्षी जिलों की सूची में पहले नंबर पर आया है 2019 की रैंकिंग के अनुसार, जबकि बालनगीर उड़ीसा का दूसरे नंबर पर है, चंदौली पहले नंबर पर है। VGM मोबाइल ऐप वेरी गुड मॉर्निंग नाम का एक मोबाइल ऐप है जो IIT BHU यानी कि आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्रों ने डेवलप किया है ताकि जो यूपी सरकार है वो महिलाओं के अगेंस्ट जो भी क्राइम होते हैं उनको चेक कर सके। इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, ये आपकी जो 11वां डेफ एक्सपो अभी हाल ही में लखनऊ में आयोजित किया गया उसकी थीम थी। ग्राउंड वाटर एक्ट 2020 को अप्रूव किया उत्तर प्रदेश सरकार ने और जो लोग भी भूजल का गलत इस्तेमाल करते हैं या उसे बर्बाद करते हैं उनके खिलाफ इसमें दंड का प्रावधान किया गया है। इंद्रधनुष 5 2020 ये जो है एक आपकी सैन्य एक्सरसाइज है जो कि भारत और यूके की एयर यानी कि जो आपकी वायुसेना है उनके बीच में ये एयर एक्सरसाइज की गई। हिंडन नदी उत्तर प्रदेश में बहती है उसके किनारे एयरबेस पर इसको आयोजित किया गया था।
उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में 900 रुपए जो हैं वो जो भी आप मैंने बोला ना गौपालक संवर्धन योजना इसको रखा गया है, इसमें आपको करना गया है कि अगर मान लीजिए कोई आपको मवेशी मिलता है आप उसे पाल लीजिए और उसके जरिए आपको सरकार द्वारा 900 रुपए प्राप्त होंगे। कैपिटल सिटी लखनऊ है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, स्टेट एनिमल स्वैंप डियर यानी कि आपका बारासिंगा और स्टेट बर्ड जो है वो सारस क्रेन, सारस बोलते हैं उसे, और स्टेट ट्री है अशोक का और जो स्टेट फ्लावर है यानी कि राजकीय फूल जो है वो पलाश का फूल है। ये रही हिंदी में और आगे चलते हैं। अगली जानकारी है सरकार द्वारा प्रति बूंद अधिक फसल नाम की एक योजना के लिए 4,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ऐसा देखा गया है कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर पानी की घनघोर कमी है, जिनमें से मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा काफी ज्यादा ऊपर आते हैं, जहां पर जो सिंचाई होती है वो कुछ इस तरीके से होती है क्योंकि यहां पर धान ज्यादा उगाया जाता है जिसकी वजह से फसलों में सिंचाई की जाती है उसकी वजह से काफी सारा पानी वेस्ट हो जाता है। ऐसे फसल में पानी को वेस्ट पानी को बचाने के लिए स्प्रिंकलर द्वारा या ड्रिप सिंचाई जिसमें छोटे छोटे फव्वारे लगा दिए जाते हैं, इस सिंचाई के माध्यम से पेड़ों को सिंचित करने के लिए या फसल को सिंचित करने की योजना लाई गई है जिसके लिए किसानों को सब्सिडी के तौर पर 4,000 करोड़ रुपए प्रदान करने की बात की गई है और ऐसा कहा गया है कि ये राज्य सरकारों को स्थानांतरित भी कर दिया गया है। इस योजना का नाम है प्रति बूंद अधिक फसल। कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक अंग प्रति बूंद अधिक फसल PMKSY PDMC को लागू कर रहा है। फुल फॉर्म जरूर इसका याद रखिएगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ही एक पार्ट है प्रति बूंद अधिक फसल। वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को 4,000 करोड़ रुपए पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं जिसके बारे में राज्य सरकारों को अवगत करा दिया गया है और इसमें यही है कि ड्रिप और स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम जैसी विधि को अपनाया जाए। इस योजना के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए और इसमें कितने रुपए जारी किए गए हैं, अभी हाल ही में 4,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ऐसी ही एक योजना हरियाणा सरकार लाने वाली थी लेकिन इसका बहुत विरोध हुआ। हरियाणा सरकार एक योजना लेके आई अभी कोविड-19 के दौरान, मेरा पानी मेरी विरासत योजना, इसको हम लोग ने पढ़ा था क्योंकि जो हरियाणा के किसान हैं वो लगातार एक ही फसल पर धान की एक ही जमीन पर धान की फसल कई बार उगाते चले जाते हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होता है, साथ साथ आपका जो जमीन की उपजाऊ क्षमता है वो भी कम पड़ जाती है। ऐसे में उन्हें सलाह दी गई कि अगर आप धान की फसल छोड़ देंगे वहां पे मक्का लगा लीजिए, बाजरा लगा लीजिए, तो सरकार आपको 7,000 प्रति एकड़ के हिसाब से देगी। साथ साथ अगर मान लीजिए आपकी फसल नहीं बिकती है तो उसको मैक्सिमम समर्थन मूल्य पर हम खरीद लेंगे और सब्सिडी भी आपको देंगे। लेकिन किसानों को धान की फसल लगाने में ज्यादा फायदा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उन्हें पैसे ज्यादा मिलते हैं। इस वजह से किसान इसका भारी विरोध कर रहे थे और उन्होंने शुरू कर दिया किसान बचाओ खेती बचाओ अभियान। अगली जानकारी है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। कॉकरली साइमन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को विश्व की सबसे प्रतिष्ठित रैंकिंग माना जाता है और इसकी रैंकिंग जारी हो गई है जिसमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को पहला स्थान मिला है जबकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को दूसरा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को तीसरा और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को चौथा और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को 5वां स्थान मिला है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका और ऑक्सफोर्ड जो है ये ब्रिटेन की है, जबकि भारत में जो भी बड़े कॉलेज हैं या भारत की जो भी प्रतिष्ठित कॉलेज हैं उनमें से सबसे पहला स्थान मिला है IIT बॉम्बे को जिसकी रैंक रही है 172 और IISc बेंगलोर की जिसकी रैंक रही है 185 और IIT दिल्ली जिसकी रैंक रही है 193। तो आपको पहले वाले की याद रखनी है, यानी IIT बॉम्बे को सबसे ज्यादा रैंकिंग मिली है, सबसे अच्छी रैंकिंग मिली है 172। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की ताजा रैंकिंग जारी की गई। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2021 की शीर्ष 500 यूनिवर्सिटी में से केवल 8 भारतीय संस्थान को जगह प्राप्त हो पाई है। कुछ समय पहले टाइम्स हायर एजुकेशन ग्रुप ने भी एक रैंकिंग जारी की थी एशिया पैसिफिक में जिसमें भारत के 6 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया था। IIT बॉम्बे अपनी पिछले साल की रैंकिंग से 20 स्थान फिसलकर नीचे आ गया है और ISC को भी एक पायदान का नुकसान हुआ है जबकि IIT दिल्ली की रैंकिंग 182 से निकलकर 193 रैंक पर पहुंच गया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में संस्थानों का मूल्यांकन 6 मैट्रिक्स पर किया जाता है। इसमें उनकी शैक्षणिक प्रतिष्ठा 40% वेटेज रखती है, नियोक्ता प्रतिष्ठा मतलब वो किस तरीके से फैकल्टी को अपॉइंट करते हैं 10% रखी जाती है, संकाय छात्र अनुपात मतलब कितना उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है और प्रति फैकल्टी उद्धरण 20%, अंतर्राष्ट्रीय फैकल्टी अनुपात और छात्र अनुपात उनके भी शामिल होते हैं। तो आपको सिर्फ इस न्यूज में इतना याद रखना है कि IIT बॉम्बे की रैंकिंग कितनी रही है 172, ISC बेंगलोर की 185।
अगली जानकारी है, गूगल क्लाउड ने अपने हेड को अपॉइंट किया है। गूगल क्लाउड के हेड तो वैसे करण बाजवा है जिनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, लेकिन अभी हाल ही में गूगल क्लाउड ने सीनियर डायरेक्टर को भी अपॉइंट किया है। गूगल क्लाउड का मतलब क्या है? गूगल क्लाउड एक ऐसी कंपनी है जिसके जरिए आप अपना स्टोरेज डेटा, जैसे आपने फोन ले रखा हुआ है, फोन में जैसे ही आपने लॉगिन किया होगा, एंड्रॉइड फोन आपने यूज किया, उसमें जीमेल की आईडी आपसे मांगी गई, जैसे ही आपने जीमेल की आईडी ली उसके अंदर डाला, तो फोन का जितना भी डेटा है वो सारा का सारा आपके गूगल क्लाउड पे सेव हो रहा है। जब आप दूसरा फोन लोगे और उसमें वही आईडी इंटर करोगे तो बड़े आराम से आप पूरा का पूरा डेटा आप वापस प्राप्त कर सकते हो। तो इस तरीके से ये जो स्टोरेज है ये सारा का सारा कहीं स्टोर होना चाहिए, तो इसको मैनेजमेंट के लिए एक कंपनी बनाई गई गूगल क्लाउड, और गूगल क्लाउड का मतलब ही यही है कि आभासी रूप में आप अपने डेटा का स्टोरेज कर सके। तो फिलहाल गूगल क्लाउड ने अनिल वल्लूरी को भारत में गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वल्लूरी को हाईटेक उद्योग में सेल्स और मार्केटिंग का 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। इसके अलावा बैंकिंग, दूरसंचार, सार्वजनिक क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र के ग्राहकों के लिए भारत में कई प्रौद्योगिकी बदलावों का नेतृत्व कर चुके हैं। गूगल क्लाउड में शामिल होने से पहले वल्लूरी नेटऐप भारत और सार कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो किसको शामिल किया है? गूगल ने अनिल वल्लूरी जी को गूगल क्लाउड का सीनियर डायरेक्टर बनाया गया है, जबकि पिछला अपॉइंटमेंट उन्होंने मार्च में किया था जब करण बाजवा को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर उन्होंने अपॉइंट किया था। अगली जानकारी, कल हमने पढ़ा था कि संजीता चानू पर जो डोपिंग के आरोप लगाए गए थे वो निराधार साबित हुए हैं, और संजीता चानू अब अपने जो भी उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने की बात कर रही हैं और साथ साथ मुआवजे की भी मांग कर रही हैं। लेकिन इसी बीच एक और डोपिंग की खबर आई है। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने प्रतिबंधित दवाओं पदार्थों के पॉजिटिव टेस्ट के बाद 4 साल के लिए गोमती मारी मुथु पर प्रतिबंध लगा दिया है। एथलीट ने एडीआर आर्टिकल 2.1 और 2.2 का उल्लंघन किया, जिसमें उन्हें एक प्रतिबंधित पदार्थ का इस्तेमाल किया था। उसके यूरिन सैंपल में उस निषिद्ध पदार्थ का मेटाबोलाइट पाया गया है और इन्हें पाया गया कि इन्होंने एनाबोलिक का सेवन किया था। एनाबोलिक एक ऐसा स्टेरॉइड पदार्थ होता है जिसे खिलाड़ी अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कई सारे जो जिम ट्रेनर हैं, अगर आप कभी भी जिम जाते होंगे तो वो आपको एनाबोलिक भी सजेस्ट करते हैं कि आप एनाबोलिक लीजिए जिससे आपका मसल पावर बढ़ जाएगा। फिलहाल मेरे कहने पर लेने की जरूरत नहीं है, मैं कोई जिम ट्रेनर नहीं हूं, मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इस तरह के अगर प्रोटीन का आप सेवन करते हैं तो उसका इफेक्ट आपकी किडनी पर होता है और ये इतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आपको दे देते हैं कि इससे आप मधुमेह के रोगी भी बन सकते हैं, यानी आपको डायबिटीज भी हो सकती है। तो बिना सोच विचार के किसी भी जिम वाले से कोई भी पाउडर मत लिया करें। खासकर देखिए, हर किसी की बॉडी अपने तरह से अलग होती है, हर किसी की बॉडी उस तरह का प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर सकती जिस तरह का आप ले रहे हैं। तो अपनी बॉडी को जानिए, पहले आप समझ लीजिए, कोई अच्छा हेल्थ केयर हो उससे पूछिए। अगर आपको अपना वजन ही बढ़ाना है, जिम जाके अपना मसल्स ही बनाना है, ये सब करना ही है, तो प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करके लीजिए। ऐसा नहीं कि भैया ने ले लिया तो लाहौम भी ले लें, है ना, तो ये मत करिएगा, नहीं तो उसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट आपको आगे आने वाले जीवन में देखने को मिल सकता है, उसके बहुत अलग अलग साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो वैसे यह प्रतिबंध 17 मई 2019 से शुरू होकर 16 मई 2023 तक है। गोमती की प्रतियोगिता के सभी परिणाम 18 मार्च से 17 मई 2019 के बीच घोषित किए गए हैं। तमिलनाडु की रहने वाली इस एथलीट के पदक, खिताब, रैंकिंग, पॉइंट्स और पुरस्कार और उपस्थिति को पूरी तरह से जब्त किया जाना है, यानी कि उनको पूरी तरह से निल मान लिया जाएगा। तो गोमती मारी मुथु के ऊपर डोपिंग के आरोप लगे हैं। अगली जानकारी है, हिमाचल सीएम ने, यानी कि हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है जयराम ठाकुर, उन्होंने एक पंचवटी योजना शुरू की है। पंचवटी योजना के लिए क्या किया जाएगा कि जो भी गांव इलाके, ग्रामीण इलाके, पास के जो शहरी इलाकों के पास के जो ग्रामीण इलाके होंगे वहां पे 1 बीघा जमीन ली जाएगी और उसमें पार्क डेवलप किए जाएंगे। पार्क इस तरीके से डेवलप किए जाएंगे तो जो सीनियर सिटीजन है, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो आकर उस पार्क में अपना बैठ के शांति से मनोरंजन वगैरह कर सकें। तो हाल फिलहाल ये योजना 2 तरीके से काम करेगी। इसमें मनरेगा का घटक भी मिला हुआ है। मनरेगा के जरिए इन पार्कों की स्थापना की जाएगी जिससे मनरेगा के जो भी मजदूर होंगे उनको रोजगार मिलेगा। मनरेगा एक रोजगार गारंटी स्कीम है जो 100 दिन का रोजगार प्रत्येक व्यक्ति को देती है। पहले इसमें मजदूरी 182 रुपए मिलती थी, लेकिन अभी घोषणा के बाद 202 रुपए इसमें दी जाएगी। मनरेगा का नाम 2000, इसकी शुरुआत वैसे 2005 में हुई थी, लेकिन मनरेगा का नाम पहले नरेगा था और बाद में 2010 में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। तो फिलहाल मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने पंचवटी योजना का शुभारंभ किया है। ये योजना वरिष्ठ नागरिकों के सैर सपाटे और मनोरंजन हेतु पंचायतों में योजना के तहत किया जाएगा पार्कों और बागों का निर्माण। मनरेगा के तहत होगा पार्कों और बागों का निर्माण, ग्रामीणों को मिलेगा रोजगार। पार्कों में सैर करने हेतु ट्रैक, बेंच, कुर्सियां और शौचालय की रहेगी सुविधा। संबंधित पंचायतें करेंगी पार्कों और बागों का रखरखाव। तो ये जानकारी कहां से थी? ये जानकारी थी आपकी हिमाचल प्रदेश से। तो चलिए फटाफट से हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स भी कर लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। 34वां सूरज कुंड मेला
हिमाचल प्रदेश में ही लगता है सूरजकुंड मेला। ये आपका क्राफ्ट से संबंधित है यानी हस्तशिल्प से संबंधित है और इसमें इस बार ये हरियाणा में लगा और इसमें इस बार जो आपका है हिमाचल प्रदेश एज ए थीम स्टेट शामिल हुआ था, यानी कि जो थीम थी वो हिमाचल प्रदेश थी जबकि जो पार्टनर कंट्री थी वो उज्बेकिस्तान था। तो 34वां सूरजकुंड मेला कहां लगता है, ये आपका हरियाणा में लगाया गया। लोसार फेस्टिवल, ये हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध फेस्टिवल है धर्मशाला। धर्मशाला से आपको याद आएगा कि धर्मशाला में ही आपके कौन रहते हैं, दलाई लामा रहते हैं। हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट है जिसने 100% एलपीजी कवरेज हासिल किया है। इस ऐसा नहीं है कि उज्ज्वला योजना से इन्होंने हासिल किया, इसके अलावा इन्होंने राज्य स्तर पर एक स्कीम चलाई थी जिसका नाम था हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, उस योजना के तहत 100% कवरेज हासिल किया है। यानी हिमाचल प्रदेश में एक भी घर ऐसा नहीं है जहां एलपीजी सिलेंडर आपको ना मिले। फगली फेस्टिवल, ये हिमाचल प्रदेश का एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, किन्नौर में मनाया गया। रोहतांग पास जिसका नाम बदलकर अभी हाल ही में अटल टनल कर दिया गया यानी कि अटल सुरंग कर दिया गया, ये आपका कुल्लू से लाहौल स्पीति को जोड़ता है। कैपिटल शिमला है, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं, चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और सिंबल बारा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क हैं यानी राष्ट्रीय उद्यान है। डैम्स की बात करें तो विश्व प्रसिद्ध भाखड़ा डैम, भाखड़ा किस नदी पर बना हुआ है, सतलज नदी पर बना हुआ है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पंडो डैम, नाथपा डैम और कैमरा डैम जो है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था इसीलिए 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। स्टेट एनिमल हिम तेंदुआ या स्नो लेपर्ड भी आप इसे कह सकते हैं। स्टेट बर्ड हिमालयन मोनल। स्टेट ट्री है देवदार का वृक्ष जो है ये राजकीय पेड़ है यहाँ का। कोटगढ़ का नाम सुना होगा आपने, कोटगढ़ को एप्पल बॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। स्टेट फ्लावर है पिंक रोहडोडेंड्रन और आपका स्टेट गेम है वॉलीबॉल, यानी कि राजकीय खेल वॉलीबॉल हिमाचल प्रदेश। अगली जानकारी है अमेरिकी सेना में पहली बार वायुसेना प्रमुख के रूप में किसी अश्वेत को नियुक्त किया गया। अमेरिका में वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ पद पर जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर को नियुक्त किया गया है। अमेरिकी सेना में पहली बार किसी अश्वेत को वायुसेना का प्रमुख बनाया गया है। जनरल चार्ल्स ब्राउन देश की सैन्य सेवाओं में से एक का नेतृत्व करने वाले पहले अश्वेत अधिकारी हैं। ब्राउन हाल ही में अमेरिका प्रशांत वायुसेना के कमांडर रह चुके हैं। युवा लड़ाकू विमान के पायलट है और उनके पास 2900 से घंटे से अधिक समय का विमान उड़ाने का अनुभव है। ब्राउन 1984 में वायुसेना में शामिल हुए थे। तो इस तरीके से जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका में अभी हाल ही में एक व्यक्ति जॉर्ज फ्लाइट के ऊपर कुछ पुलिसकर्मियों ने बर्बरपूर्वक उनकी हत्या कर दी थी जिसकी वजह से एक बड़ा जन सैलाब उमड़ पड़ा और वहां पर दंगे वगैरह शुरू हो गए थे। ऐसे में इस तरह की एक खबर आना एक राहत भरी खबर है कि किसी अश्वेत को, क्योंकि बोला जैसा जा रहा है कि वो एक अश्वेत व्यक्ति थे जिसकी वजह से पुलिस ने उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया। तो हाल फिलहाल जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर अमेरिकी सेना के पहले अश्वेत व्यक्ति अधिकारी। जावेद इकबाल वानी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। गीता मित्तल जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश हैं और उसके अलावा वहां पे 17 जज और हैं जिसमें से 18वां जज जो है वो जावेद इकबाल वानी बने हैं। तो जाने माने अधिवक्ता जावेद इकबाल वानी को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा की गई है। वानी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में कई मामलों में केंद्र की पैरवी कर चुके हैं। तो जावेद इकबाल वानी जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त। बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल याद रखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि न्यूज चर्चा में थी इसलिए आपके सामने। अगली जानकारी है म्यांमार मिलिट्री टटमादेव, म्यांमार की सेना टटमाडा करके उन सेना का नाम है। पिछली बार फेसबुक ने इनको बैन कर दिया था, इनके सारे अकाउंट डिलीट कर दिए थे। ऐसा इसलिए किया था क्योंकि सेना जो मैसेज पोस्ट कर रही थी उस फेसबुक से मुताबिक वो गाइडलाइन के हिसाब से सही नहीं थे। ऐसे में उन्होंने भी फेसबुक का विरोध करना शुरू कर दिया और अब हाल फिलहाल वो फेसबुक पर वापस आ रहे हैं। तो म्यांमार की सेना टटमाडा ने लोगों के लिए सटीक समाचार यानी एक्यूरेट न्यूज प्रदान करने के लिए फिर से फेसबुक का उपयोग करने का फैसला किया है। म्यांमार सेना फिर से फेसबुक का उपयोग कर रही है क्योंकि यह देश में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और लोगों तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर 2018 को फेसबुक ने गलत धारणा फैलाने के आरोप के लेकर टटमाडा और उसके वरिष्ठ अधिकारियों से संबंधित 18 रिकॉर्ड और कुछ पेज को प्रतिबंधित कर दिया था। 2017 में उत्तरी रखिन राज्य में वध और अत्याचार के लिए टटमाडा को दोषी ठहराने वाली एक रिपोर्ट की महत्वपूर्ण रिपोर्ट की खोज के बाद फेसबुक ने रिकॉर्ड को खाली कर दिया था। ऐसा इनके ऊपर आरोप लगे थे कि रखिन में जो उन्होंने जिस तरीके से इन्होंने अभियान चलाया था वहां पर टटमाडा जो सेना है उसने बुरी तरीके से
लोगों को मारा था और इसकी इसका खुलासा भी बाद में हुआ, तो इस वजह से फेसबुक ने इसको बैन कर दिया था। हाल फिलहाल म्यांमार की जो ताटमटा सेना है वो वापस से इसका प्रयोग करेगी, क्योंकि म्यांमार चर्चा में आया तो चाहिए आपको म्यांमार घुमा लेते हैं। म्यांमार कहाँ है? एशिया का एक देश है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भारत और म्यांमार के बीच में म्यांमार की सीमा को छूने वाले राज्य कौन से हैं? तो वो है अरुणामामी। अरुणामामी का मतलब हो गया चार राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। तो अरु से अरु हो गया, ना से नागालैंड हो गया, मामी से मान, मणिपुर और मामी, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। ये म्यांमार की सीमा को सर्च करते हैं। म्यांमार की लॉन्गेस्ट रिवर है इरावती और इसका हाईएस्ट माउंटेन है हकाकाबो राजी, जिसकी ऊंचाई लगभग 5,500 से ऊपर 5,800 समथिंग 5,800 मीटर के आसपास है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो फिलहाल म्यांमार अथवा म्यांमार एक दक्षिण एशिया का देश है जिसको पहले हम लोग बर्मा के नाम से जानते थे। इसकी जो राजधानी है वो न्यापिडा है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 6,76,575 वर्ग किलोमीटर है। मुद्रा म्यांमार क्यात चलती है, क्यात आप कह सकते हैं सिंपल। विन मिंत वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं और जो जनसंख्या है वो लगभग 53.71 मिलियन है। अब ये रहा आपका म्यांमार। म्यांमार से इधर आएंगे तो चाइना मिलेगा, चाइना के बगल में नीचे आएंगे तो लाओस मिलेगा, लाओस से नीचे आएंगे तो थाईलैंड मिलेगा। इधर ये इंडिया से जुड़ा हुआ है। एक जानकारी और कि ये बांग्लादेश की सीमा भी इसको थोड़ा सा टच करती है और इधर आपका बंगाल का खाड़ी है। अगली जानकारी है चाइना ने मानव रहित सबमर्सिबल ने एक कीर्तिमान बनाया है। सबमर्सिबल एक ऐसी मशीन होती है जो जमीन के अंदर जाकर पानी बाहर निकाल सकती है, और सबमर्सिबल आपके घरों में भी लगा हुआ है, जिसको कहा जाता है ऐसी मशीन जो पानी में डूब सके। तो ये चली गई मेरियाना गर्त में। मेरियाना गर्त को पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु माना जाता है, सबसे गहरा गर्त माना जाता है, जिसकी ऊंचाई जिसकी गहराई 10,994 मीटर है। इसका मतलब अगर आप माउंट एवरेस्ट उठा के उसके अंदर घुसेड़ दें, उसको पूरा डाल दें, तो आपका जो माउंट एवरेस्ट के बाद भी 1.6 किलोमीटर की लगभग ऊंचाई रह जाएगी, यानी माउंट एवरेस्ट छोटा पड़ जाएगा। तो इस पर ये गया और 10,000 मीटर की गहराई तक गया और वहां की तस्वीरें लाई। कहा जाता है कि ये एक ऐसा स्थान है पृथ्वी पर जहां पर आज तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंची। तो चीन के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में नोहा सागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु पर गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है। इस दौरान सबमर्सिबल ने गहरे महासागर से नमूने एकत्र किए और भूगर्भीय वातावरण की उच्च गुणवत्ता के चित्र भी खींचे। इसका नाम है हाइदू 1। मरियाना ट्रेंच एबिस में हाइदू 1 चार बार 10,000 मीटर के नीचे गया, यहां तक कि 10,907 मीटर समुद्री गहराई तक पहुंच गया। सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक अभियान दल के सदस्य चीन की विज्ञान अकादमी से संबंध सिंगयान इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन से जुड़े हैं और वैज्ञानिकों का दल 23 अप्रैल 2020 को अभियान के लिए निकला था और 8 जून 2020 को समाप्त कर वापस आया। तो चीन का एक सबमर्सिबल मशीन हाइदू 1 पहुंच गया है मेरियाना ट्रंच के अंदर। ऐसा कहा जाता है कि आज तक वहां पर कोई नहीं पहुंचा, फिलहाल ये मानव रहित था। अब अगली जानकारी है विश्व प्रत्यायन दिवस, यानी कि वर्ल्ड एक्रीडेशन डे। एक्रीडेशन का मतलब होता है मान्यता दिवस। जैसे आप अगर कभी स्कूल वगैरह खोलें या कॉलेज वगैरह खोलें तो आपको मान्यता प्राप्त करनी पड़ेगी, मान्यता प्राप्त करने को ही कहते हैं प्रत्यायन, यानी कि मान्यता दिवस। तो हाल फिलहाल पूरे विश्व में 9 जून को मान्यता दिवस मनाया गया। हर साल 9 जून को विश्व स्तर पर विश्व प्रत्यायन दिवस व्यापार और अर्थव्यवस्था में मान्यता की भूमिका को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इस बार इसकी जो थीम रही है वो है इंप्रूविंग फूड सेफ्टी। इस बार हम फूड सेफ्टी के बारे में ही ज्यादा बात कर रहे हैं, तो इंप्रूविंग फूड सेफ्टी जो रही है इसकी थीम रही है। तो 9 जून विश्व प्रत्यायन दिवस। अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की। वन लाइनर की बात करें तो किस राज्य ने गोहत्या से संबंधित कृत्यों के लिए कारावास और जुर्माने के लिए अध्यादेश जारी किया है? तो वो है उत्तर प्रदेश। विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? 9 जून को। अमेरिकी सेना में पहली बार किसी अश्वेत को वायुसेना प्रमुख बनाया गया, उनका नाम क्या है? वो है चार्ल्स ब्राउन जूनियर। और किसको जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय और कश्मीर लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो वो है जावेद इकबाल वानी। किस देश ने मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु मरियाना ट्रेंच अभी तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया? तो चाइना का हाइदू 1। कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के एक अंक को लागू कर दिया गया है, तो उसका नाम क्या है? प्रति बूंद। क्यूरियस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के शीर्ष 500 यूनिवर्सिटी में केवल कितनी भारतीय संस्थानों को जगह मिली है? 8 स्थानों को, जिसमें से IIT बॉम्बे जो है वो टॉप पर रहा है। गूगल क्लाउड ने किसको भारत में गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक के पद पर नियुक्त किया है? तो वो है अनिल बलूरी। किस देश की सेना ने ताटमाडा ने लोगों को सटीक समाचार प्रदान करने के लिए फेसबुक का उपयोग करने का फैसला किया है? तो ये म्यांमार की सेना है।
और खाद्य सुरक्षा सूचकांक के मामले में बड़े राज्यों में कौन चीज पर रहा गुजरात, बाकी के दो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी आज के हमारे क्विज की। विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? ये हर साल 9 जून को मनाया जाता है। किस राज्य ने गोहत्या से संबंधित कृत्यों के लिए कारावास और जुर्माने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है? तो वह है यूपी सरकार। अमेरिकी सेना में पहली बार किसी अश्वेत को वायुसेना प्रमुख बनाया गया, उनका नाम क्या है? उनका नाम है चार्ल्स ब्राउन जूनियर। किसको जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो जावेद इकबाल वानी जी को। गीता मित्तल जम्मू कश्मीर की मुख्य न्यायाधीश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 95वें वार्षिक पूर्ण सत्र में इस बात पर जोर दिया कि हमें भारतीय अर्थव्यवस्था के कमांड एंड कंट्रोल से बाहर निकलना है। तो फिलहाल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो बैठक हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई, इन्होंने इसके 95वें वार्षिक सत्र का उद्घाटन किया। तो उन्होंने कहा कि हमें अब अर्थव्यवस्था को कमांड एंड कंट्रोल से लेकर प्लग एंड प्ले की ओर लेके जाना होगा, जहां पे हम अर्थव्यवस्था को प्रॉपर रन करा सकें। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के शीर्ष 500 यूनिवर्सिटी में केवल कितनी संस्थाओं को सदस्य, कितनी भारतीय संस्थाओं को जगह मिली है? तो वो 8 भारतीय संस्थाएं हैं। गूगल क्लाउड ने किसको भारत में गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक के पद पर नियुक्त किया है? तो उनका नाम है अनिल वेल्लोरी। किस देश की सेना ताटमार्डर ने लोगों को सटीक समाचार प्रदान करने के लिए फिर से फेसबुक का उपयोग करने का फैसला किया है? तो वह है म्यांमार। खाद्य सुरक्षा सूचकांक के मामले में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो गुजरात जो है वो पहले शीर्ष पर रहा है, फिर उसके बाद तमिलनाडु का नंबर है। किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु मरियाना ट्रेंच एबी तक गोता लगाने का कीर्तिमान हासिल किया है? तो वो है आपका चाइना का हादुवन। और ऐसा चाइना क्यों कर रहा है? ताकि जो समुद्र के जो संसाधन है उनको भी थोड़ा सा ढूंढा जा सके और ये समझा जा सके कि क्या क्या समुद्र से भी हम निकाल सकते हैं। तो कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई का एक यंग अंग लॉन्च किया है और उसका नाम है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि PDMC, प्रति बूंद अधिक फसल। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूं कि आप काफी कुछ आपने नया सीखा होगा, काफी कुछ जानकारी आपको नई मिली होगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखता हूं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।